यमुनानगर के रादौर क्षेत्र में कई गांव में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने लोगों की समस्याएं सुनी, उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, हरियाणा सरकार ने खाद को लेकर पूरे प्रबंध किए हैं, जिससे प्रदेश के किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर के रादौर क्षेत्र में कई गांवों में कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने लोगों की समस्याएं सुनी, उनके समाधान का आश्वासन दिया। कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, हरियाणा सरकार ने खाद को लेकर पूरे इंतजाम किए हैं, जिससे प्रदेश के किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ खाद रास्ते में पहुँच चुका है। हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से खाद का इंतजाम कर रखा है, किसी भी जिले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी कुछ तो हमारा खाद रास्ते में है, कुछ पहुंच गया, दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कोई ऐसा नहीं है अभी कोई हमारा कोई खाद की कमी है। बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि धान की खरीद और उठान को लेकर शुरुआत में कुछ परेशानी किसानों को जरूर आई थी, लेकिन अब खरीद और उठान में और पेमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। का सीजन तो 10% के करीब आसपास है, अभी पहले जो एकदम चुनाव के टाइम में कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और ना तो धान की बिक्री में, ना किसान को पैसे मिलने में, ना उठान में, सारी तरह से अब ठीक है काम मंडियों के अंदर। वही एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, वो वहां के किसानों की चिंता करें। हरियाणा में सर्वाधिक 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर चल रही खींचतान को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा है, पहले भी गुटबाजी थी और आगे भी गुटबाजी के कारण ही उन्हें दिक्कत रहेगी। देखिए, सुरजेवाला जो बात उठाता है, वैसे तो वो राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य है, उसने राजस्थान की चिंता करनी चाहिए। हरियाणा प्रदेश में 24 फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश है, सरकार है यहाँ पर, वो अपने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ की चिंता करे, वहाँ जाके देखे ना एमएसपी बिक रहा है कि नहीं बिक रहे, तो वो देखेंगे ना, कांग्रेस वाले चुनेंगे। उनमें गुटबाजी है, उसकी वजह से वहाँ पार्टी का काम कम है, गुटबाजी ज्यादा है, इस वजह से उनकी दिक्कतें आगे भी रहेंगी और पहले भी रहेगी। बहरहाल हरियाणा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि राज्य में डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।